गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 7 गणित का वीडियो भाग 28 है और आज की इस वीडियो भाग में हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, अर्थात जो आपको यहाँ पे खाली जगह दी हुई है यहाँ पर संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। 3 का गुणा आपको किसी संख्या से करना है जिसका हल जो है आपको 27 प्राप्त हो। 3 का गुणा करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए आप, 27 लेके आइए। तो हम 3 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ते हैं तो 3 9 27, तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो होगी 9। किंतु आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है धनात्मक 27 है, जो चिन्ह है वह धनात्मक का है, कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात ये धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्याएं कब प्राप्त होती हैं? जब दो समान चिन्हों का गुणा हो। तो यहाँ पर जो है अगर ये ऋणात्मक है तो हमें इसे भी क्या करना पड़ेगा? ऋणात्मक लेना पड़ेगा। आप इसे ध्यान रखेंगे तो जब हमने ये ऋणात्मक ले लिया तो दो समान चिन्हों का गुणा हुआ तो ये धनात्मक प्राप्त हो गए। आप इसे हमेशा याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है और 35 लाना है। तो हम 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 35 आता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं दोनों जो है धनात्मक का धनात्मक संख्याएं हैं, तो उत्तर भी धनात्मक प्राप्त होगा, लेकिन आपको चाहिए ऋणात्मक। तो आपको दोनों में से एक संख्या जो है ऋणात्मक लेनी पड़ेगी, मतलब असमान चिन्ह होने चाहिए, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। इसे तो आप बदल नहीं सकते, तो यहाँ पर आप क्या लगा लेंगे? ऋणात्मक। तो एक धनात्मक और ऋणात्मक मिलके जो है ऋणात्मक बनाएंगे। उसी प्रकार यहाँ आते हैं, यहाँ पर आपको पहले रिक्त स्थान दिया हुआ है तो भी कोई समस्या नहीं है। आपको पहाड़ा किसका पढ़ना है? 8 का, और लाना कितना है? 56। तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे आप? 7 बार। तो आपने 7 किया। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको ऋणात्मक चिन्ह चाहिए, तो ऋणात्मक चिन्ह के लिए दोनों असमान चिन्ह होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये धनात्मक और ऋणात्मक है, तो आपको यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखते हैं, 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 132 लाना है, और 12 का पहाड़ा आप 11 बार पढ़ेंगे। 12 का पहाड़ा केवल 10 तक नहीं होता, 11 बार पढ़ेंगे तो आपको 132 प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पर 11 लिखा। आप देख रहे हैं कि संख्या जो है धनात्मक प्राप्त हो रही है, तो दोनों समान चिन्ह चाहिए, ये ऋणात्मक है तो ये भी क्या होना चाहिए? ऋणात्मक। तो हम क्या लिख देंगे? ऋण 11। तो इस तरह जो है आपका प्रश्नावली 1.3 समाप्त होता है। अगले वीडियो भाग में हम प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। धन्यवाद।